सो फ्रेंड, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है और आपके पास उस ड्राइविंग लाइसेंस का कोई भी फोटोकॉपी नहीं है, जिसके कारण आपके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ना ही लर्निंग लाइसेंस नंबर है और ना ही एप्लीकेशन नंबर है, ये तीनों ही चीज़ें आप लोग के पास नहीं है, उसके बाद भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बिना किसी प्रॉब्लम के ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो मैं आप लोग को तरीका बताने वाला हूँ, ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए यानी कि सीजी के लिए लागू होता है। मैं और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि अलग राज्यों के लिए भी आप कैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत सारे वेबसाइट अभी भी सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई अच्छा वेबसाइट मिलता है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो सिर्फ सीजी के लिए है। तो अगर आप सीजी से नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को सिंपली करना क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना है अपने गूगल पर। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ अपने गूगल पर। तो गूगल पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है और सर्च करना है सीजी ट्रांसपोर्ट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइप करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सीजी ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में सीजी ट्रांसपोर्ट आ चुका है। तो मैं इसे यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ढूंढना है ई सेवा छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फोकस करके दिखा दूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई सेवा छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो आप लोग को इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को वेट करना है इस विंडो के ओपन होने का। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कितने जल्दी ओपन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। ओपन होते ही आप लोग के सामने में एक पेज आएगा जिसमें लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सर्च और स्मार्ट कार्ड कॉन्टैक्ट ड्राइविंग लाइसेंस इशू बाय छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो आप लोग को इसे यहां पर टैप कर लेना है, ये देखिए। तो टैप करते ही आप लोग के सामने में एक और विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई DL नंबर और यहाँ पर लिखा है बाई नेम एंड डेट ऑफ बर्थ नंबर। तो हमारे पास तो यहाँ पर DL नंबर है नहीं, तो हम लोग को क्या करना है कि बाई नेम एंड डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। टैप करने के बाद ये जो है चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम और यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर DOP यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ ब्लर नहीं करने वाला हूँ, मैं आप लोग को सिंपली सारी चीजें टाइप करके आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं। तो एप्लीकेंट नेम का मतलब यह है कि यहां पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपका जो नाम है वो आप लोगों को डिक्टो वैसा ही लिखना है जैसा आपका था। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो मेरा नाम है विवेक शर्मा। तो मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं विवेक, सॉरी मैं फिर से पेज पे चले जाता हूं विवेक, उसके बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं शर्मा, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने विवेक शर्मा टाइप कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। फादर नेम पर मैं अपने फादर का नेम यहां पर टाइप कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना फादर नेम टाइप कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो ये भी मैं आप लोगों को डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से डालना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 14/5/1993 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को डिक्टो ऐसा ही अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वैसा डालना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है सो पर। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर सो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस नेम नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF का प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को PDF प्रिंट भी लेकर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो यहां पर हम वेट कर लेते हैं, ये देखिए। तो यहां पर मेरा जो PDF प्रिंट है वो यहां पर आ चुका है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर ब्लर नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग को आराम से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो लाइसेंस है ये सामने आ चुका है और ये जो मेरा लाइसेंस नंबर है यहाँ पर आप ऊपर में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बड़ी ही आसानी से अपना जो लाइसेंस नंबर है वो निकाल सकते हैं और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये मेरा ओरिजिनल लाइसेंस है, ऊपर में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये मुझे लाइसेंस इशू हुआ था। यहाँ पर वैलिड डेट वगैरह भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इस तरीके से यहाँ पर व्यू में भी आप जा सकते हैं नीचे पे, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस देखने को मिल जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से आप नेम और नंबर से, मतलब अपने नाम से और अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन निकाल सकते हैं और आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए इसलिए बनाया हूँ क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी। मेरा जो लाइसेंस है वो खो गया था, गुम गया था और मेरे पास DL नंबर, LL नंबर, एप्लीकेशन नंबर कुछ भी नहीं था। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने काफ़ी सर्च किया, उसके बाद मुझे ये वेबसाइट मिली जिसके थ्रू मैंने अपने लाइसेंस को ऑनलाइन निकाल लिया है। तो मुझे लगा कि इसका वीडियो आप लोग के लिए भी लाना चाहिए
चाहिए ताकि आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम जाता है, तो आप लोग भी बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अपने लाइसेंस को निकाल सकें। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं अलग राज्यों के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मुझे कोई वेबसाइट मिलती है जिससे आप इंडिया के कहीं के भी राज्य के हों आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को निकाल सकें, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुई हो तो उनका प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो सके, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप लोग को हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।